बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एंड हैप्पी। आई एम योर जीके टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर जीके क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर ऑन यूनिट नंबर 14, द नेम ऑफ आवर यूनिट इज प्लांट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अबाउट द नीड्स ऑफ द प्लांट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो लिसन टू द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड देन आंसर क्विकली। टेल मी दैट व्हाट आर कॉमन शेप्स ऑफ लीव्स दैट यू नो। नीडल, ऑब्लॉन्ग, ओवल, heart shaped, kidney shapes, these are all the different types of shapes of leaves. So my dear students, now is the time for activities. So here quickly look at the pictures and then tell me how do plants grow. Plants grow from a seed. Now tell me what do they need for growing up. Plants ko grow karne ke liye kin cheezon ki zarurat hoti hai, zara soche. Jab aap zameen mein ek beej lagate hain to hum sabse pehle usko kya dete hain? Pani dete hain, ठीक है। इसके अलावा हम उसको ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां धूप हो, तो उसको सनलाइट की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द हर जानदार को हवा की जरूरत होती है, तो पौधों को भी हवा की जरूरत होती है। सो एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लांट के लिए टू ग्रो अप एंड टू ग्रो वेल। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज टाइम टू लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टूडे। सो इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स फाउंड अराउंड देम। Students will learn about, they will not learn about the shapes of leaves. Today the students learn about what plants need, okay? So my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran that Allah is the one who has sent down water from the sky and thereby we, Allah, produce diverse pairs of plants, each separate from the other. So इस आयत से भी ये बात जाहिर होती है कि पौधों को पानी की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, जिससे पौधे जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो चाहे प्लांट्स शेड लवर हो, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, शेड में होते हैं और उनको बड़ी कम सनलाइट की जरूरत होती है, बट स्टिल वाटर उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सो सनलाइट भी उनको चाहिए होती है, लेकिन इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर प्री रीडिंग क्वेश्चंस। सो क्विकली टेल मी दैट डू ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो वेल। यस, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो वेल बिकॉज प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमने पढ़ा था कि लीव्स में जो है वो सनलाइट की वजह से फूड प्रिपेयर होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर रीडिंग। फॉर रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 112 इन योर जीके 2 बुक्स। आई होप एवरीबॉडी हैज ओपन द पेज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड। नीड्स ऑफ प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, प्लांट्स बीइंग लिविंग ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अ सीडलिंग टू एन एडल्ट ट्री। They need certain things to grow themselves. These are air, water, soil, sunlight, and temperature. Plants use these things to make food. Food helps plants to grow well. So, my dear students, जैसे कि जानदार grow करते हैं, हम ये throughout आप one class में भी पढ़ा था आपने कि तमाम जो living things होते हैं वो grow करते हैं। So plants क्योंकि living things हैं तो वो grow करते हैं, और उनको grow करने के लिए properly, और वो एक seed से grow करते हैं, तो उनको किन किन चीजों की जरूरत होती है। उनको हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, पौधे मिट्टी में लगते हैं तो उनको सॉइल की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, और एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है। कुछ प्लांट्स जो हैं वो कम टेम्परेचर में, ठंड में ग्रो करते हैं, कुछ जो हैं वो हॉट टेम्परेचर में, डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, और कुछ मॉडरेट टेम्परेचर में ग्रो करते हैं। सो टेम्परेचर मीन्स अ लॉट फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। तो ये तमाम चीजें एक पौधे को चाहिए टू ग्रो प्रॉपरली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो Here you can see a sunflower. So, इसको क्या क्या चाहिए? Plants use sunlight to make food. Sun also provides heat. Plants grow well in appropriate heat. So, एक पौधे को ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? सनलाइट की, और ये सनलाइट जो है ये उनको फूड बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर भी प्रोवाइड करती है। Soil provides nutrients to plants. जो मिट्टी है ये nutrients provide करती है, पानी provide करती है। Water helps to transport these nutrients to upper parts of the plant. अब जो roots के जरिए पानी ऊपर जा रहा है इसकी मदद से, क्योंकि ये soil में पानी होता है, तो जितने भी nutrients हैं वो पानी में शामिल हो जाएंगे और फिर roots के जरिए ऊपर stem तक जाएंगे and then to the all parts of the plant. So इस तरीके से तमाम parts of the plant जो है उन तक nutrients जो है वो पहुंच जाएंगे। So plants need air, जिसमें से वो carbon dioxide लेते हैं, to grow tall. Leaves absorb air. So, ये जो हवा है, हवा में से लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट भी आ जाती है, प्रॉपर हीट आ जाती है,
पानी और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और इस तरीके से लीव्स में जो है वो खाना जो है वो पौधे का वो प्रिपेयर हो जाता है एंड दे दिस इज हाउ दे ग्रो वेल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट डू प्लांट्स नीड? प्लांट्स नीड एयर एंड फ्रॉम एयर दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड टेम्परेचर. सो हियर यू कैन सी अ प्लांट. सो इसको क्या क्या चाहिए? इसको चाहिए पानी, सॉइल, सनलाइट and proper temperature to grow well. So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me that what do plants need to grow well? They need sunlight, air, water, soil and temperature. These five things are very important for the plant to grow well. Then comes what does the growth mean for a plant? To grow tall, to grow healthy. So this is what is meant by the growth of a plant. So what does air provide to the plant? It provides carbon dioxide. How does soil help plants to grow? Because it has nutrients, so all the nutrients are absorbed by the water into the roots and then they are transferred to the plant to grow well and healthy. So describe the role of temperature for a plant. Ek temperature ka kya role hota hai? Because important temperature, appropriate temperature is needed for the seed टू ग्रो इन टू अ प्लांट. और इसी तरीके से हर प्लांट जो है उसको प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है टू ग्रो वेल. ओके माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस. फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर. राइट डाउन योर नेम एंड योर क्लास एंड देन व्हाट प्लांट नीड्स. इट नीड्स फाइव थिंग्स. इसको पांच चीजों की जरूरत होती है और आप वो पांच चीजें जो है यहाँ नोट डाउन करेंगे वर्कशीट में. And then fill in the blanks. Plants being living grow. Then food helps plant to dash well. Soil provides dash to plants. So इस तरीके से आप इनको complete करेंगे. So what will happen? What will happen if we do not give plant water on time? So यहाँ पे कुछ options हैं, आपको उनको select करना है. अगर आप पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? Growth will be affected, plant will grow well, growth will be unaffected, none of these. So plant will not grow well. Okay. So my dear students, this is it for the worksheet. आपको मैं fill in the blanks से भी थोड़ा सा help out कर देती हूँ. Plants being living, they grow. So इसमें grow आएगा, यहाँ grow already लिख दिया था. Food helps plant to grow well. So soil provides nutrients. Two plants. Okay, my dear students, now is the time for homework. For homework, you will do MCQ 2 given on page number 115 and you will do question number 2 given on page number 116. So, my dear students, ye wala jo question hai, ye aap apni notebooks pe karenge. What do plants need to grow? They need five things. What they are: soil, air, water, sunlight and temperature. And then the MCQ will be done in the books. Okay, now is the time for wrap up. So today we have learned that plants grow from seedling to adult plants. They need air, water, sunlight, soil and temperature to grow themselves. So my dear students, hum plants ke bare mein sab kuch padh rahe hain. Aaj aapko ye bhi pata chal gaya ki plants ko growth ke liye kya kya cheezon ki zarurat hai. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.